आज मैं आपको सिंपल लेकिन ऐसा नाश्ता बना के दिखाने वाला हूँ जिसे कि आप घर में पड़े कम से कम चीज़ों में 5 से 10 मिनट के अंदर बनाओगे। खाने और बनाने के लिए इतना आसान टेस्टी है कि एक बार खाओगे तो आप सभी का यह फेवरेट नाश्ता बनेगा। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले बारीक या मोटी आपके पास जो भी हो वो 1 कप सूजी को मिक्सी के जार में डालकर साथ ही साथ डालना है 1 नींबू का जूस। चाहे तो नींबू के बदले आप आधा कप दही डाल सकते हो। अब 1 चम्मच नॉर्मल वाला तेल डालकर आधा चम्मच चीनी और 2 चुटकी हल्दी डाल के दही इस्तेमाल किए हो तो 1 कप पानी, नहीं तो सूजी से 1.5 गुना ज़्यादा पानी डालकर ऐसे स्मूथ पीस के बैटर बना के तैयार करें। अभी इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल कर लेते हैं और निकाल लेने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्ची। तो मिर्ची हम आगे चल के भी यूज करने वाले हैं, तो मिर्ची आप आपके हिसाब से डालिए। फिर आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया और स्वादानुसार नमक डालकर पहले इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। हाँ, आप चाहे तो इसमें आप आपके पसंद के अनुसार थोड़े बहुत वेजिटेबल डालोगे तो भी चलेगा। तो ऐसे मिलाने के बाद यानी कि लास्ट में जब आपको नाश्ता बनाना हो तभी 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर फिर से दोबारा मिलाकर लेना है। ये देखिए फाइनली हमें ऐसा मीडियम पतला बैटर चाहिए। अभी चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पर हमें इस तरह के छोटे या बड़े पैन को गैस पे चढ़ा के लगभग आधा चम्मच तेल डालकर जैसे ही तेल गर्म हो जाए पहले 1 छोटा चम्मच चना दाल और आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल डाल के हल्का सा गोल्डन कलर आने तक चम्मच चलाएंगे। दोस्तों इसमें जो हमने दालें यूज किए हैं उसकी वजह से नाश्ते में जो क्रंच आएगा नाश्ता खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अभी थोड़े चॉप किए हुए 4 कड़ी पत्ते और आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डालकर कुछ सेकंड तक इन्हें भून कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे जो बैटर बनाया था उसे। तो बैटर आप आपके पैन के साइज के हिसाब से डालें। यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच डालने वाला हूँ क्योंकि इसे मोटा ही बनाना है। अब इसके ऊपर बारीक कटे हुए फ्रेश लाल मिर्ची के पीसेस, चॉप किया हुआ कड़ी पत्ता और थोड़े से कलौंजी डालेंगे। दोस्तों इसे बनाने के लिए ना कोई झंझट, ना ज़्यादा मेहनत, ना ही कुकर स्टीमर की ज़रूरत पड़ेगी। रवा इडली से बेहतर बनेगा। चाहे तो आप इसे 1 पार्ट में बड़े वाले पैन में भी बना सकते हो। अभी इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया दिखने लगा है। तो अभी ऊपर से तेल, बटर, घी, आपने जो भी इस्तेमाल किया हो उसे लगाकर दूसरे और पलट के हल्के हल्के प्रेस करते हुए 40 से 50 सेकंड तक सेक लेंगे। ये देखिए नाश्ता बनके तैयार है। तो ये दिखने में जितना अट्रैक्टिव है उसे कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब जिसे भी खिलाओगे उसका ये फेवरेट नाश्ता बनेगा। चाहे चटनी के साथ खिलाइए या बिना किसी चटनी के, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।